प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे देश को स्वच्छ रखने पर जोर दिया। आम जनता को यह बात समझ में आई, लेकिन जिम्मेदार लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। जो क्षेत्र के विकास के वादे करके चुनाव जीत गए, अब उन्हें जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। गुरसराय कस्बा वैसे तो अपनी अलग पहचान रखता है, यहाँ के लोग भी जागरूक हैं और समझदार भी, लेकिन यहाँ नगर पालिका की लापरवाही से नगर के कई क्षेत्रों में गंदगी की समस्या है। अब बड़ी माता मंदिर पर बने तालाब को ही ले लीजिए, जहाँ सुबह शाम शुद्ध वायु व प्राकृतिक वातावरण में टहलने को प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। लोग यहाँ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण में सांस लेने को मिल सके, लेकिन यहाँ नज़ारा उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है जिससे आसपास के वातावरण से दुर्गंध आती है। दुर्ग तालाब के किनारे बनी सीढ़ियों पर लोग बैठते हैं, लेकिन कुछ दिनों से तालाब में मछलियाँ मर गई, जिससे इतनी दुर्गंध आती है कि यहाँ खड़े होना मुश्किल होता है। नगरवासियों की शिकायत के बाद भी नगर पालिका परिषद ने यहाँ साफ सफाई कराने की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगा दिए। अब जहाँ एक तरफ देश में गंभीर बीमारियाँ अपने पैर पसार रही हैं, वहीं नगर पालिका प्रशासन बीमारियों को न्योता दे रहा है। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।